तो दोस्तों हम सभी ने जानते हैं कि जो हमारे इस प्रकार की 9 वोल्ट की बैटरी आता है, अगर हम इसको एक बार यूज कर लिए और ये हमारा डिस्चार्ज हो गया तो हम इसको चार्ज करके दोबारा यूज नहीं कर सकते, और इस बात को कंपनी ने भी बैटरी के ऊपर लिख दिया है। तो मैंने आज के इस वीडियो में इसको चार्ज करके दिखाऊंगा। तो अभी आप लोग बोलेंगे कि जब बैटरी की कंपनी ने मना किया है तो तू कैसा इसको चार्ज कर देगा। तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, ये कोई भी फेक वीडियो नहीं है, और इस वीडियो में मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट के रूप में इस बैटरी को चार्ज करके दिखाऊंगा। तो देख सकते हो ये हमारा डीसी मोटर है, मैंने बैटरी से चला के दिखाता हूँ। तो हमारा मोटर चल नहीं रहा है, यानी कि बैटरी में कोई भी वोल्टेज नहीं है। अगर फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है तो मैंने मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए मल्टीमीटर में हमारा 1.95 वोल्टेज आ रहा है, यानी कि बैटरी फुल डेड कंडीशन में है। तो इसको हम एक्सपेरिमेंट के रूप में कैसे चार्ज करेंगे, तो इसके लिए आपको एक 12 वोल्ट के अडाप्टर चाहिए। तो देख सकते हो ये हमारा 12 वोल्ट की अडाप्टर है, जो कि हमारा डीटीएच होता है, जो टीवी की डीटीएच होता है उसकी ये अडाप्टर है। तो ये वायर की जो वोल्टेज है वो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना आए कि हमारा 12 वोल्ट नहीं देता है। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि इसका जो नेगेटिव वायर है इसको हम बैटरी की नेगेटिव में लगाएंगे, और इसका पॉजिटिव वायर को बैटरी की पॉजिटिव में लगाएंगे। तो हमें इसको इस प्रकार से 5-10 मिनट रखना पड़ेगा इस ऐसे लगाकर। तो अगर आप इसको पकड़ के नहीं रख सकते हो तो यहाँ पर सोल्डरिंग कर लीजिए, या फिर इसका जो कनेक्टर आता है उसके दौरान आप इसको इस प्रकार से चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ मिनट चार्ज करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा लगभग आधा मिनट हो गया है, तो यहाँ पर मैंने इसको निकाल देता हूँ, और यहाँ पर मैंने इसका जो मोटर है इसको चला के दिखाता हूँ। तो देख लीजिए हमारा यहाँ पर मोटर चल रहा है, तो देखते हैं कितने टाइम ये चल रहा है। तो देख लीजिए ये हमारा थोड़ा सा टाइम चला के ये बंद हो गया। तो हम जितने भी मिनट इसको चार्ज करेंगे ये उतना मिनट का बैकअप देगा। अगर हम इसको 10 मिनट चार्ज करेंगे तो ये हमारा 10 मिनट का बैकअप देगा। तो अभी आप लोग बोलेंगे कि अगर हम इसको 2-3 घंटा चार्ज करेंगे तो ये हमारा 2-3 घंटा की बैकअप देगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारा वैसे ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट की बैकअप दे देता है, तो उससे ज़्यादा बैकअप ये हमारा नहीं देगा। आप इसको अगर 10-15 मिनट चार्ज करोगे तो ये हमारा 5-10 मिनट तक ये मोटर को चला देगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना 9 वोल्ट बैटरी को चार्ज कर सकते हो। हालांकि ये ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता है, लेकिन अगर आपको कुछ भी इस्तेमाल करना है, कोई चीज़ को थोड़ा सा टाइम के लिए चलाना है, तो आप इससे चला सकते हो। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए मैं रहता हूँ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।